Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about unit 6, that is Mother to Son. It's basically a poem by Langston Hughes. So let's start. let's start from the first line. Well, son, I will tell you. ये बेसिकली मदर उसको कह रही हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ, लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी जो मेरे लिए है वो कोई क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं है. क्रिस्टल मतलब कोई भी चीज़ बहुत सीधी सादी, बहुत साफ़ सुथरी हो, ठीक है. स्टेयर मतलब सीढ़ी. इट्स हैड टैक्स इन मी. टैक्स मतलब पिन की तरह थी, मतलब चुभने वाली चीज़ें थी, ठीक है. एंड स्प्लिंटर्स, ठीक है. स्प्लिंटर्स का मतलब होता है कोई थिन की, कोई लकड़ी होना, ग्लास या मेटल की तरह की कोई थिन सी चीज़ होना. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, ठीक है. बोर्ड्स मतलब पैनल या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो टूटी हुई थी. एंड प्लेसेज विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और वो जगह थी जहाँ पर कोई भी चीज़ नरम नहीं थी ज़मीन पर, सब चीज़ें जो थी वो बहुत सख्त थी. बेयर अनकवर्ड, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, ठीक है, कोई चीज़ नंगी होनी. बट ऑल द टाइम, मगर हमेशा हर वक्त, I will see being a climbing on, मैं अपने आप को इस तरह देखती थी जैसे मैं चढ़ती जा रही हूँ. एंड रीचिंग लैंडिंग, और पहुँच रही हूँ, लैंड कर रही हूँ, ठीक है. एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और मूव कर रही हूँ, ठीक है, कॉर्नर्स की तरफ. एंड सम टाइम गोइंग इन द डार्क, और कभी कभी मुझे लगता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अंधेरे की तरफ जा रही हूँ. वेयर देर एंड बीन नो लाइट, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है. सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तब तुम बिल्कुल भी पीछे की तरफ मत मुड़ जाना. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कभी भी स्टेयर के ऊपर अगर चढ़ रहे हो, किसी भी सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, तो कभी भी दरमियान में मत बैठ जाना. कॉज यू फाइंड इट्स किंडर हार्ड, लेकिन तुम्हें ये बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है. डोंट यू फॉल नाउ, कभी भी गिरना मत. फॉर आई सी गोइंग, स्टिल गोइंग हनी, मैं अभी भी चल रही हूँ, मैं अभी भी जा रही हूँ. आई सी स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी भी जो है चढ़ रही हूँ. एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल क्लियर, तो मेरे लिए क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं थी मेरी ज़िंदगी, ठीक है. तो ये बेसिकली पोइम है. इसके अंदर एक मदर जो है वो अपनी हार्डशिप्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि कैसे मेरी ज़िंदगी जो थी सन, वो मुश्किल का शिकार रही है. उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स भी थे, हार्डशिप्स हैं वो भी थी, लेकिन फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ा, और मैं दरमियान में कभी भी नहीं बैठी किसी भी दौर में, ठीक है. और इस तरह से मेरी ज़िंदगी जो थी वो चलती रही. मैं आज भी क्लाइंब कर रही हूँ, और आज भी मैंने डार्क्स वगैरह, डार्क जो हैं वो भी देखा है, ठीक है. डार्क के अंदर कोई लाइट नज़र नहीं आई मुझे, ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड इट्स क्वेश्चन आंसर, दैट इज़ व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोइम मदर टू सन. इसकी डोमिनेंट थीम अगर देखें तो हम ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, हार्डशिप्स हैं, होप है, करेज है, ठीक है. What are the some of the literary technique used in the poem Mother to Son? इसके अंदर हमारे पास metaphor इस्तेमाल हुआ है, extended metaphor, imagery इस्तेमाल हुई है. What an extended metaphor? Extended metaphor यहाँ पर staircase है, ठीक है. In the poem Mother to Son, Hughes repeat some line, वो जो first और last line उन्होंने repeat की है, that is and crystal clear, my life is not a crystal stair, ठीक है, वो वाली line जो है repeat हुई है. उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज इन द पॉइंट मदर टू सन. इमेजरी हमारे पास जो है वो एक तो इस्तेमाल हुई है कि कैसे वो लैडर्स को, कैसे वो सक्सेस के स्टेयर्स को ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, वो एक इमेजरी क्रिएट हुई है. कारपेट्स की इमेजरी क्रिएट हुई है, कैसे फ्लोर जो है, ज़मीन जो है वो सॉफ्ट नहीं है. व्हाट इज़ द टून ऑफ द पॉइंट मदर टू सन, एक किस्म की नैरेटिव टून भी है कि वो एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं. दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेटिव किस्म की टून भी है, कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी अपने जो मदर हैं वो सन को, कि ज़िंदगी जो है वो बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारे मुश्किल का मजमुआ है. इसके अंदर ये नहीं होता कि आप कुछ चीज़ें देखो तो आप भाग जाओ, इससे दूर भागो, बल्कि इस ज़िंदगी को फेस करना, इसकी करेज, इससे करेज से फेस करना, होप रखना, वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है. तो डोमिनेंट थीम भी यही है, और पूरी जो पोइम है वो भी इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है. जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर देखा भी है कि कैसे वो बता रही हैं अपने सन को कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखी हैं, ठीक है. डार्क एरियाज, डार्क स्पॉट्स भी मेरी ज़िंदगी में आए थे, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर भी उसके अंदर साबित कदम रही, मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूँ, और अभी भी मैं जा रही हूँ, क्लाइंब कर रही हूँ, ठीक है. तो इस तरह से ये पोइम जो है वो बनी हुई है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच for watching.